आप सबको स्वागत है। आज हम 21 फरवरी की शुरुआत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कभी कभी हमारे जीवन में होता है ऐसा कि कोई अगर इंसान हमारे जीवन में होता है कि कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हम कहते हैं कि ये चेंज हो जाए तो मैं चेंज हो जाऊं, या ये सिचुएशन मेरे जीवन में ना आए तो मैं आगे बढ़ पाऊं, चाहे वो हमारे अध्यात्म में हो, चाहे हमारे धन संपत्ति के मामले में हो, चाहे हमारे संबंधों के मामले में हो। हम कहीं ना कहीं औरों को ज्यादा ताकत दे देते हैं और उनको हमारे जीवन का अड़चन बना देते हैं, और जिस कारण से परमात्मा कहते हैं कि तुम आगे बढ़ नहीं पाते हो क्योंकि तुमने खुद ही अपने ब्रेक्स लगा दी हैं, और तुमने कारण भी लगा दिया है कि यहाँ पे रुकना जरूरी है क्योंकि वो व्यक्ति रुका हुआ है या वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, वो सिचुएशन रोकने की कोशिश कर रही है। तो परमात्मा कहते हैं इसमें सर्वशक्तिमान की तो बात आई नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इंतजार को छोड़, इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय, वियोगी मतलब जो कि परमात्मा से टूट गया हो, दूर हो गया हो, के बजाय सहयोगी सो सहजयोगी भवा। सहयोगी मतलब किस चीज में सहयोग करना, पहले तो परमात्मा को याद करने में ही हम सहयोगी बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर के जो विष है काम क्रोध लोभ अहंकार वो कम होता है, तो हमारा इस दुनिया में पाप करना कम होता है, तो ऑटोमेटिकली हम किसकी मदद कर रहे हैं, परमात्मा पिता की। और दूसरा हम सहजयोगी बन जाते हैं क्योंकि हम परमात्मा के अनुसार, हम औरों को ब्लेम ना करके, और नहीं चेंज हो रहे तो मैं क्यों चेंज हूं, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही तो मैं क्यों चेंज हूं, ये ना करके हम परमात्मा के साथ में सहयोगी बन जाते हैं और हमारा योग कनेक्शन सहज लग जाता है। नहीं तो फिर जिनको हम ब्लेम कर रहे हैं, जिस सिचुएशन को हम ब्लेम कर रहे हैं, मेडिटेशन के टाइम पे, ध्यान के टाइम पे, योग के टाइम पे वही चीजें याद आती हैं। तो हम कहते हैं ये चीजें क्यों याद आ रही है हमें। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटू, इसने मुझे पकड़ के रखा हुआ, ये मुझे फ्री नहीं कर रही, ये कर रहा है, ये टकराव छोड़े तो छूटूं, ये मुझसे लड़ना छोड़े तो मैं छूटूं, ये मुझे गलत कहना छोड़े तो मैं छूटूं, नहीं मुझे अपने आप को छुड़वाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, परमात्मा कहते हैं ये तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर, ये भी क्या है, आध्यात्मिक एक रास्ता है जिसमें भी क्या आएंगे आगे, जिसमें आगे कांटे आएंगे, जिसमें आगे बाघ आएंगे, शेर आएंगे, चीते आएंगे, तो हर प्रकार की आत्मा आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट संस्कार लेकर के, और सिचुएशंस आएंगी, पहाड़ खड़ा हो जाएगा सामने, आप बोले कहां से जाऊं, ये रास्ता खाली नहीं है, तो सिचुएशंस आ जाएंगे लाइफ में। परमात्मा कहते हैं उनको आप ब्लेम मत करो, उन पहाड़ों को बड़ा मत बनाओ, उन सिचुएशंस को, बाघ को बड़ा मत बना दो। तो ये पेपर हैं जो कि समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो यह इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं मुझे पास करना है। वो करे ना करे, वो आगे बढ़े ना बढ़े, कोई योग करे ना करे, कोई मेडिटेशन करे ना करे, कोई मुरली सुने ना सुने, कोई आध्यात्मिक ज्ञान ले ना ले, लेकिन मुझे लेना है। ऐसा इंतजाम करो अपने लिए, ऐसा इंतजाम करो सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहजयोगी बनो। परमात्मा की श्रीमत जो है उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो हर चीज में परमात्मा का जो दिया हुआ मुरली में ज्ञान होता है कि ये करो, ये मत करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, वो हमारे लिए ही डिजाइन है, हमारे भाग्य का विधाता है। तभी भगवान मतलब भाग्य विधाता, तो हमारे भाग्य को विधाता बन जाते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं नहीं ये हमसे नहीं होगा, ये लोग चेंज हो जाएंगे तो हम ये करना शुरू करेंगे, ये लोग परिवर्तन होंगे, ये लोग छोड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे ये कार्य, या ये खान पान छोड़ेंगे, या ये तरीका छोड़ेंगे, या ये सोच छोड़ेंगे, परमात्मा कहते हैं फिर आपकी उनके साथ में योग हो गया है, मेरे साथ में योग होना मुश्किल हो जाएगा। फिर परमात्मा कहते हैं कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं, कभी परमात्मा के सहयोगी, परमात्मा को याद करना और अड़चनों से दूर होना वो भी परमात्मा का सहयोगी बनना है, और कभी वियोगी, वियोगी मतलब कैसे कि औरों के पीछे पड़ गए, ये क्यों ऐसे करते हैं, ये ऐसे क्यों करता है, इसने ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे समझ नहीं आता, इन चीजों में जब हम फंस जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा परमात्मा से योग टूट जाता है, फिर हम चलाते हैं हे प्रभु योग लगवा दो, हे भगवान मेरे को शांति दे दो, सुख दे दो। परमात्मा कहते हैं तुमने अपने ना समझ के कारण सिचुएशंस को, व्यक्तियों को बड़ा बना दिया अपने जीवन में, और उनके ऊपर तुमने कंडीशंस डाल दी हैं कि ये चेंज हो तो मैं चेंज हूं, ये सिचुएशन चेंज होता है, वो कंडीशंस को हटाना शुरू करो, वो कंडीशंस को मिटाना शुरू करो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, मुझे सदा खुश रहना है, चाहे दूसरे लोग खुश रहना रहे, अभिमान की बात नहीं है, यह सत्य स्व अभिमान की बात, स्व मतलब आत्मिक अभिमान की बात, दोनों में अंतर है। इसके अंतर को समझने के लिए आप आइए ब्रह्म कुमारी में आकर के इस विद्या को लीजिए। ओम शांति।